हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं मैट्रिक्स में गणितीय आगमन सिद्धांत से रिलेटेड प्रॉब्लम। गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में हम इसको PMI लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत, ठीक है। इसको करना क्या है, n बिलोंग टू n, n का मतलब होता है प्राकृत संख्या है, 1, 2, 3, 4, इसके लिए करना है। इसके लिए तीन स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स में इसको कैसे करना है वो आप समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या इसमें a गिवन है, a बराबर तो है 1, 1, 1, सारे अवयव 1 दे रखे हैं, a की पावर n ये दे रखा है हमें, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, अब गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है। सबसे पहले ना हम ये सिद्ध करेंगे कि जो ये स्टेटमेंट है, ये जो कथन दे रखा है, वो n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये पहला स्टेप है, तीन स्टेप्स हैं टोटल इसके अंदर जो हम n बिलोंग टू n के लिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे ना तो ये तो हो जाएगा 1 की पावर 1, ये हो जाएगा 3 की पावर 1-1, तो ये सारे ही 3 की पावर 1-1 होंगे। ठीक है, और ये होता है 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी संख्या अगर उसकी पावर 0 है ना तो उसका आंसर 1 होता है। तो ये सारे 1 आ गए, एक आ गया, तो मतलब ये ए गिवन है, मतलब a1 = a, मतलब ये करेक्ट है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, जब n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, इस कथन को n बराबर k के लिए मान लेंगे कि ये सत्य है, मानेंगे हम, ठीक है। k भी प्राकृत संख्या है, ठीक है, जो 1 से बड़ी है। तो मैं इसमें मानता हूं, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। अगर हमने ये माना है ना कि ये कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो जहां जहां n रखा है ना उसकी जगह हम k रख देंगे, तो a की पावर k बराबर हो जाएगा 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, ठीक है, और यह समीकरण 1 होगी, समीकरण 1 दे देंगे। यहां तक दो स्टेप हो गए, पहला स्टेप क्या था, n बराबर 1 के लिए हमने प्रूव किया कि दिया गया कथन सत्य है, दूसरे के लिए हमने माना कि n बराबर k के लिए यह सत्य है, और तीसरा स्टेप है हम अगर यह सिद्ध कर देना कि यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, मतलब एक k है तो k प्लस 1 के लिए सत्य है, तो यह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, तो क्या आएगा, n की जगह आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 माइनस 1 तो आ जाएगा 3 की पावर k। ये हम सिद्ध करेंगे हम, ठीक है। तो हम LHS लेके चलते हैं, LHS है a की पावर k प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, a की पावर 1 k और a की पावर 1, a की पावर k का मान समीकरण 1 से रख देते हैं, यह 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1,
और ए का मान हमारे पास दे रखा है एक 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 एक, और ये कहाँ से रखा, समीकरण एक से। ठीक है, अब हम इसको गुना करेंगे। गुना करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स को लिख देते हैं यहाँ। अब पहली पंक्ति उठाते हैं, पहली पंक्ति है 3 की पावर k-1। ठीक है, सारी पंक्तियाँ यही है और उसको ऊर्ध्वाधर करके लिख दिया। अब जब गुना करेंगे ना तो क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको गुना करके जोड़ देंगे। ऐसे दूसरे स्तंभ से करेंगे तो भी इतना ही आएगा और तीसरे स्तंभ से भी इतना ही आएगा। ठीक है, अब ये दूसरा पंक्ति को उठाएंगे उसको ऐसे लिखेंगे तो यही रहेगा, तो सारे अवयव सेम ही आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे x+x+x 3x होता है, ऐसे जब मैं इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 3 times आ जाएगा, मतलब 3 बार 3 की पावर k-1 तीन बार हो जाएगा, ये भी 3 बार हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एक पढ़ा हुआ है घातांक का नियम, अगर आधार सेम है, गुना का साइन है, तो इनकी घात क्या होती है, जुड़ जाती है। अब देखो इन दोनों का आधार 3 है और गुना का साइन है, तो घात इनकी जुड़ जाएगी। जब जुड़ जाएगी तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर k, ये सारे ही 3 की पावर k आ जाएंगे इक्वल टू RHS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतः दिया गया कथन n=k+1 के लिए सत्य है। ठीक है, और लास्ट का लाइन क्या आएगी, गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत लिख दो या ऐसे लिख दो PMI से, दिया गया कथन सभी n belong to n के लिए सत्य है। ठीक है, अब देखो किया क्या है, फिर से सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने जो कथन है ना उसको n=1 के लिए सत्य सिद्ध कर रहे हैं, सिंपल है। फिर हम मानेंगे कि n=k के लिए यह कथन सत्य है, यह भी सिंपल है। अगला स्टेप हमने मेन हमारा वर्क होता है, वहां हम सिद्ध करेंगे कि जो कथन है ना n=k के लिए, तो k+1 के लिए सत्य है। ठीक है, तो उसमें LHS लेंगे और उसको RHS के इक्वल सिद्ध कर देंगे। इस टाइप से हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली है, ध्यान से करना है, 5-6 क्वेश्चन ही है इसके, अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब आप इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या है, ए दे रखा है और एन धन पूर्णांक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। इसी से ही हम गणितीय आगमन सिद्धांत से ही करेंगे, तो पहले मैं ए लिख देता हूं, 3, 1 - 4 - 1 a^n, तो आ जाएगा 1+2n - 4n, n 1 - 2n। अब क्या है, पहला स्टेप n=1 रखने पर, जब n का मान 1 रखेंगे ना तो आ जाएगा a^1, ये आ जाएगा 1+2 - 4, 1, 1, 1 - 2, 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आ जाएगा 3 - 4, 1 - 1, और ये a के इक्वल ही है। अतः दिया गया कथन n=1 के लिए सत्य है।
ठीक है। अब माना दिया गया कथन एन बराबर के लिए सत्य है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एन की जगह के रख देंगे, वन प्लस टू के माइनस फोर के वन माइनस टू के, ये समीकरण एक होगी। नेक्स्ट लाइन क्या होगी, अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, ये सिद्ध करेंगे। तो जहां जहां एन है ना उसकी जगह के प्लस वन रख देंगे, के प्लस वन, वन प्लस टू के प्लस वन माइनस फोर के प्लस वन, के प्लस वन, वन माइनस टू के प्लस वन, ये हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब LHS लेके चलते हैं, LHS हमारे पास है a पावर k प्लस वन, इसको लिख देते हैं a पावर k गुना में a, a पावर k का मान तो समीकरण एक से रख देते हैं, वन प्लस टू के माइनस फोर के वन माइनस टू के, और a का मान रख देते हैं तीन माइनस चार एक माइनस एक, समीकरण एक से। अब इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं दूसरी मैट्रिक्स लिख देता हूं, तीन माइनस चार एक माइनस एक, पहली लाइन उठाते हैं वन प्लस टू के और माइनस का फोर के, गुना करके जोड़ते हैं इसको, तो आ जाएगा तीन प्लस छ के माइनस चार के, दूसरा क्या आएगा माइनस चार से गुना करते तो माइनस चार माइनस आठ के प्लस चार के, ठीक है। अब हम दूसरी लाइन उठाते हैं, दूसरी पंक्ति, इसको ऊर्ध्वाधर करके लिखते हैं, गुना करके जोड़ते हैं, तो आ जाएगा तीन के प्लस एक माइनस दो के, माइनस चार के माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक प्लस दो के, तो आ जाएगा तीन प्लस दो के, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस चार माइनस चार के, ये आ जाएगा के प्लस एक, और ये आ जाएगा माइनस दो के माइनस एक। अब ये देखते हैं कि आर एच एस के बराबर बना है या नहीं, तीन को लिख सकते हैं वन प्लस टू के, माइनस फोर कॉमन आ गया के प्लस एक, ये k प्लस एक, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं एक जोड़ दिया एक घटा दिया तो वन माइनस टू के माइनस टू, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा वन, टू कॉमन आ गया तो आ जाएगा k प्लस वन माइनस फोर के प्लस वन, के प्लस वन, वन माइनस टू कॉमन ले लिया तो k प्लस वन इक्वल टू आर एच एस। अतः दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, ठीक है। पीएमआई से दिया गया कथन सभी n belong to n मतलब धन पूर्णांक के लिए सत्य है, क्लियर है। ये लाइन्स तो लिखनी है हमने, ठीक है। अब नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या है, मान लीजिए कि a गिवन है और इस स्टेटमेंट को सिद्ध करना है जहां n belong to n, इसको भी PMI से सिद्ध करेंगे। तो पहले a लिख देते हैं, a तो है 0100, I दो कोटे का तत्समक आव्यूह है 1001। इस स्टेटमेंट को लिख देता हूं मैं ए आई प्लस बी ए पावर एन, ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए,
इसको हमने सिद्ध करने है कि ये कथन सही है। ठीक है, तो हमारा पहला जो स्टेप होता है उसके लिए क्या होता है, n बराबर एक के लिए हमने सिद्ध करना है कि ये जो कथन है वो सत्य है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं n बराबर एक रखने पर ए आई प्लस बी ए पावर एक, ए की पावर एक आई प्लस एक ए, एक माइनस एक बी ए। हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी की भी घात अगर जीरो हो तो उसका आंसर एक होता है, तो मतलब एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, अतः दिया गया कथन एन बराबर एक के लिए सत्य है। माना, अगला स्टेप क्या होता है, दिया गया कथन एन बराबर के लिए सत्य है। तो क्या करेंगे, जहां जहां एन है ना उसकी जगह हम के रख देंगे। समीकरण एक। अगला स्टेप क्या होगा, अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस वन के लिए सत्य है। तो क्या होगा, ए आई प्लस बी ए, एन की जगह रख देंगे k प्लस एक, ए पावर k प्लस वन आई प्लस k प्लस वन ए, एन की जगह k प्लस वन रखेंगे तो माइनस वन के आ जाएगा बी ए। ठीक है, ये हमने सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं एल एच एस लेके चलूंगा, एल एच एस हमारे पास है ए आई प्लस बी ए पावर के प्लस एक, और इसको आर एच एस के इक्वल सिद्ध कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखना, आई की जितनी भी घात होती है ना, आई को आई से गुना करेंगे तो आई आता है, आई को ए से गुना करेंगे या ए को आई से गुना करेंगे तो ए आएगा, मतलब तत्समक को किसी भी आव्यूह से गुना करेंगे तो वापिस वही आव्यूह, वापिस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के ए आई प्लस बी ए। इसका मान हम समीकरण एक से रखेंगे क्योंकि हमने माना है कि ये जो है सत्य है, तो इसकी जगह मैं रख देता हूं a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस वन बी ए आई प्लस बी ए। अब हम गुना करेंगे, गुना हमने इस टाइप से करना है, जो अवयव है ना उनको अवयव से गुना करना है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से गुना करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, पहले मैं इन दोनों को गुना करता हूं तो यह आ जाएगा अवयव, अवयव को तो एक मैट्रिक्स में लिख दिया और मैट्रिक्स मैट्रिक्स को एक साथ लिख दिया, इन दोनों को गुना किया तो आ जाएगा ए की पावर के बी और बाकी रह जाएगा आई ए, इसको इससे गुना किया तो आ जाएगा के ए की पावर के माइनस वन ए बी ए आई, प्लस इन दोनों को गुना किया तो आ जाएगा के ए की पावर के माइनस वन बी को बी से किया, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से किया, आई को आई से गुना करेंगे तो आई आएगा, आई को ए से गुना करेंगे तो ए आ जाएगा, यहां पावर जुड़ जाएगी तो के माइनस वन प्लस वन तो के आ जाएगा बी, ए को आई से करेंगे ए आएगा, के ए पावर के माइनस वन बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो क्या है, ये पहला पद तो आ रहा है के प्लस, अब देखो क्या है, ये पहला पद तो आ रहा है तो आ जाएगा ए की पावर के प्लस वन आई, इसमें से कॉमन आ गया ए की पावर के बी ए, बाकी रह जाएगा वन प्लस के, हमें के प्लस वन चाहिए तो इसको लिख देंगे आगे पीछे करके, प्लस ए ये पद चाहिए ही नहीं तो हम ए स्क्वेयर निकाल लेते हैं, क्या आएगा ए स्क्वेयर ना, यहाँ
शून्य मैट्रिक्स आएगी, रिक्त मैट्रिक्स, तो ए स्क्वेयर निकालते हैं, तो इसको लिख देते हैं ए गुना ए, तो आ जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 0। जब इसको गुना करेंगे ना तो आ जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 0। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 पावर k प्लस 1 i k प्लस 1, इसको रीअरेंज करके लिख दिया, इक्वल टू RHS। अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, PMI से दिया गया कथन सभी n बिलोंग टू n के लिए सत्य है। क्लियर है, अब आप इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PMI से सिद्ध करना है, एक टाइप से एक ये थ्योरम ही है। देखो AB = BA दे रखा है, समान कोटि के वर्ग आव्यूह है, गणितीय आगमन सिद्धांत या लिख भी दिया है, सही सिद्ध कीजिए। इसके बाद ये भी सिद्ध करना है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स ले रखे हैं। ठीक है, इसको करने से पहले ना देखो क्या होता है, एक साहचर्य का रूल होता है, जब छोटे क्लासों में नंबर्स के लिए पढ़ते हैं, साहचर्य में क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर अगर तीन मैट्रिक्स गुना में है ना, तो इनकी ब्रैकेट्स को हम चेंज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, चाहे प्लस के साथ है तब भी। ठीक है, और इसको कहते हैं AB = BA, ये क्रम विनिमय ग्रुप देता है। ठीक है, तो ये तो गिवन ही है AB = BA। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, AB = BA लिख देता हूं, ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, अब AB = N = BA ये हमने सिद्ध करना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, N = 1 रखने पर, जब n का मान 1 रखेंगे ना तो आएगा AB की पावर 1 B की पावर 1 A, तो आ जाएगा AB = BA, जो कि दिया गया है, जो कि सत्य है। ठीक है, क्योंकि ये तो दे ही रखा है, अतः दिया गया कथन N = 1 के लिए सत्य है। अब माना दिया गया कथन N = K के लिए सत्य है। ठीक है, N = K के लिए क्या करेंगे, AB = K B = KA, ये समीकरण 2 आ गई। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे दिया गया कथन N = K+1 के लिए सत्य है, ये हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जहां n है ना उसकी जगह K+1 रख देंगे, ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं LHS लेता हूं, LHS में लिखता हूं AB K+1। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, AB power K और B। ठीक है, या AB और B power K भी लिख सकते हैं, AB power K इसकी जगह मैं लिख देता हूं B की पावर KA B, समीकरण 2 से। अब साहचर्य का रूल लगा लेते हैं, B power KA B साहचर्यता से। ठीक है, अब AB की जगह हमें दे रखे है BA, तो इसकी जगह BA रख देते हैं, समीकरण 1 से। अब फिर से साहचर्यता का रूल लगा देते हैं, B power K BA
साचार्यता नियम से, ठीक है, बाय एसोसिएटिविटी कहते हैं इंग्लिश में, बी पावर के प्लस वन ए इक्वल टू आर एच एस, मतलब ए से दो गया, ठीक है। अतः दिया गया कथन एन बराबर के प्लस एक के लिए सत्य है, इसलिए पीएमआई से दिया गया कथन सभी एन बिलोंग टू एन के लिए सत्य है, ठीक है। यहां तक तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हमने ये भी सिद्ध करना है, इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए, तो मैं इसके नीचे से स्टार्ट कर देता हूं। अब ए बी पावर एन इक्वल टू ए एन बी एन, एन बराबर एक रखने पर, जब एन का मान एक रखेंगे ना, तो ए बी पावर वन ए वन बी वन, मतलब ए बी बराबर ए बी। अतः दिया गया कथन एन बराबर एक के लिए सत्य है, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा, हम ये मानते हैं, माना दिया गया कथन एन बराबर के लिए सत्य है, तो के लिए सत्य मानते हैं ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए बी पावर के इक्वल टू ए के बी के, इसको समीकरण तीन लिख देते हैं, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां जहां एन है ना, उसकी जगह के प्लस वन रख देंगे, ये हमने सिद्ध करना है। इसके लिए एल एच एस लेके चलते हैं, एल एच एस ए बी पावर के प्लस वन, तो ये आ जाएगा ए बी पावर के और ए बी, ठीक है। और ए बी पावर के की जगह समीकरण तीन से रखेंगे, समीकरण तीन से रख दिया ए के बी के, और बाकी रह गया ए बी समीकरण तीन से। अब सहचार्यता अप्लाई करते हैं ए के बी के ए बी, सहचार्यता नियम से, ठीक है। अब बी पावर के ए, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, इसकी जगह ए बी पावर के लिख सकते हैं, ठीक है, या समीकरण दो में भी लिखा हुआ है तो वहां से लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी के, ठीक है, सिद्ध किया हुआ है यह समीकरण दो से। अब फिर से साचार्यता अप्लाई करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ब्रैकेट्स बी वाले एक साथ ए वाले एक साथ, ठीक है, और यहां लिख देते हैं साचार्यता नियम से, और अभी आ जाएगा ए पावर के प्लस वन बी पावर के प्लस वन इक्वल टू आर एच एस, क्लियर है ना ये। अब लास्ट लाइन सेम वही लिखेंगे, अतः दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, इसलिए पीएमआई से दिया गया कथन सभी एन बिलोंग टू एन के लिए सत्य है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो, केयरफुली करना, प्रैक्टिस करनी है इसको लिखने की, ओके।
अब देखो नेक्स्ट में क्या है, ए गिवन है और इसको सिद्ध करना है, तो सॉल्यूशन में पहले ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब जो सिद्ध करना है ना वो कथन लेके चल रहा हूँ, ए की पावर एन कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कोस एन थीटा, ठीक है। अब क्या करता हूं, एन बराबर एक रखने पर, एन की जगह एक रखेंगे ना तो यह आ जाएगा कोस वन थीटा साइन वन थीटा माइनस साइन वन थीटा कोस वन थीटा, मतलब कोस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू ए। अतः दिया गया कथन एन बराबर एक के लिए सत्य है। माना अगला स्टेप, दिया गया कथन एन बराबर के लिए सत्य है, तो क्या आ जाएगा, एन की जगह हम रख देते हैं के, कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा, समीकरण एक, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहां जहां एन है ना उसकी जगह के प्लस वन रख देंगे, दैट इज कोस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा कोस के प्लस वन थीटा, ये हमने सिद्ध करना है, ठीक है। हम LHS लेके चलते हैं, LHS इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन, इसको लिख देते हैं ए की पावर के ए, ए की पावर के का मान समीकरण एक से रख देते हैं, ये आ जाएगा कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा, और ए का मान रख देते हैं कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, दोनों को गुना करना है। गुना करने के लिए ना मैं यहां कर देता हूं, पहले दूसरी मैट्रिक्स लिख देते हैं कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, पहली लाइन उठाई इसको ऊर्ध्वाधर करके लिख दिया कोस के थीटा साइन के थीटा, और गुना करके जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कोस के थीटा कोस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। अब दूसरे से करते हैं तो क्या आएगा, कोस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस कर देता हूं यहां, अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं, दूसरी पंक्ति ये रही माइनस साइन के थीटा और कोस के थीटा, और ऊर्ध्वाधर करके लिख दिया। अब गुना करते हैं तो आ जाएगा माइनस साइन के थीटा कोस थीटा माइनस कोस के थीटा साइन थीटा, और अगले से करते हैं तो आ जाएगा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कोस के थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी, इसको यहां से रीड करते हैं साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये बनेगा साइन के थीटा प्लस थीटा, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, साइन ए कोस बी प्लस हो जाएगा ये कोस ए साइन बी, तो हो जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा,
और यहाँ से रीड करते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आ जाएगा कोस के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, कोस के प्लस वन थीटा बाहर आ गया, साइन के प्लस वन यहाँ से थीटा बाहर आ गया, माइनस साइन के प्लस वन थीटा कोस के प्लस वन थीटा इक्वल टू आर एच एस। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, इसलिए पीएमआई से दिया गया कथन सभी एन बिलोंग टू एन के लिए सत्य है। ठीक है, इस टाइप से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो पीएमआई गणितीय आगमन सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब इसको नोट कर लो।